दिव्यांगों और दिव्यांगता को समर्पित समाज और देश के लिए समर्पित मंच को प्रणाम करता हूं। हम सबके मार्गदर्शक जो नींव का पत्थर है लेकिन जिसके ऊपर पूरा भवन खड़ा है, हमारे माननीय संगठन मंत्री श्री देवेंद्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। और मेरे सामने जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमें भी प्रेरणा दी है, मैं आपको एक नहीं कम से कम 3 बार प्रणाम करता हूं। मैं पहले 2 जयघोष बोलूंगा, उसके बाद अपनी बात 3 से 4 मिनट में समाप्त करूंगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सक्षम भारत, सक्षम भारत, सक्षम भारत। देखिए, चेतना पैदा करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है, जब माँ जिभ्या में चढ़ता है तो स्वयं ऊर्जा आ जाती है, इसलिए भारत माता की जय बोलने बहुत आवश्यक है। अभी मेरे साइड में जो बच्चे बैठे हैं इधर, मुझे लगता है इनको शायद ये कार्यक्रम कम पसंद आ रहा है, और मेरे जैसे आदमी तो बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि बात ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, 2 मिनट का जरा समय दे दीजिए। कौन कहता है कि तू विकलांग है? मैं समझता हूं कि तू सकलांग है। मैं किसी भी कीमत पर मानने के लिए आपको ना दिव्यांग मानता हूं, ना विकलांग मानता हूं, मैं आपको सकलांग मानता हूं। हां, मान जाऊंगा जब मुझे इस पूरे विश्व में जितने जीवों ने इस धरती पर जन्म लिया है, अगर एक में भी मुझे कोई ये कह दे कि ये प्राणी ऐसा है, इसमें एक भी कमी नहीं है, तो मैं मान जाऊंगा कि आप दिव्यांग हैं। परमात्मा को छोड़कर हम सब सकलांग हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर आप सकलांग नहीं होते तो आज समाज आपसे प्रेरणा नहीं लेता, आप राष्ट्रीय स्तर तक अपने इस कद को पहुंचा नहीं सकते। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप अपने आप को एक पल के लिए भी दिव्यांग ना माने, विकलांग ना माने, आप अधूरे नहीं हैं, आप पूरे हैं। इसके बाद खेल खेल में जीना सीखो, खेल खेल में मरना भी, और खेल खेल में करना सब कुछ सीखना और सिखाना भी। खेल क्या है? खेल आनंद है, खेल क्षमता है, खेल शक्ति है, खेल ऊर्जा है, खेल परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है, खेल त्याग करने का साधन है, खेल तपस्या करने का साधन है। बिना खेल के आप जीवन में कुछ भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बहुत छोटी सी कविता अभी रास्ते में आते आते लिखी थी, जब मैं मेट्रो में आ रहा था, मैं रात को लिखना चाह रहा था, समय नहीं मिला, शायद अच्छी नहीं लिखी हुई होगी, लेकिन जैसे भी मैंने लिखी आपके लिए है, मुझे उम्मीद है कि आप एक बार मेरा सुनने से पहले तालियों से स्वागत करेंगे। कितना अगर तू चाहता है तो खेलना होगा तुझे। ये पीछे जो खड़े हैं भैया, 3 2 बहनें खड़ी हैं और एक बंधु खड़े हैं, सावधान। हाँ जी, पीछे क्या ध्यान रखिए इधर। खेलना अगर तू चाहता है तो खेलना होगा तुझे, जिंदगी को जिंदगी देनी अगर तो खेलना होगा तुझे। और अगर तू चाहता है हर मुख पर मुस्कान हो, और अगर तू चाहता है हर मुख पर मुस्कान हो, शारीरिक या मानसिक ना कोई भी थकान हो, तो जिंदगी को खेल समझकर बेलना होगा तुझे, खेलना होगा तुझे। मैंने पंक्ति इसलिए लिखी कि आप अपने आप को यह ना समझ रहे हो कि हम क्या बना दिए भगवान ने, आप भगवान ने वैसे ही बनाए हो जैसे बनाना चाहिए था, आप पे किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है। विकलांग व्यक्ति दिव्यांग वही व्यक्ति है जो विचारों से विकलांग है, जो विकार विचारों से नकारात्मक है, जिसके विकार सकारात्मक है विचार, वही आदमी सकलांग है। अंग तो किसी की एक आंख से कम दिखता, किससे ज़्यादा दिखता है, किसका मस्तिष्क पूरा काम नहीं करता। और जो अपने आप को पढ़े लिखे कहते हैं, बहुत ज़्यादा विद्वान कहते हैं अपने आप को, मैंने उनको बहुत बहुत बड़ी गलती करते देखा है। और आप तो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत, सब दुखों से मुक्ति खेल है, सब दुखों से मुक्ति खेल है, चुस्ती फुर्ती मस्ती खेल है,
उमंग उत्साह ऊर्जा सब कुछ अखंड शक्ति प्रचंड खेल है। साहस संघर्ष संयम चाहिए तो दौड़ना होगा तुझे, खेलना होगा तुझे। दुनिया की हर खुशी खेल है, दुनिया की हर खुशी खेल है, संकट की हर मुझुक्ति खेल है, सभी तरह उन्नति प्रगति पागलपन की दवा खेल है। परमानंद की चाहत मन में तो चेतना होगा तुझे, खेलना होगा तुझे। और अंतिम पंक्तियां, लेना छोड़ना हर श्वास खेल है। आप क्या समझते हैं कि ये जो आप खेल खेलना यही खेल है? ऐसा नहीं है। जीवन में जितनी प्रकार की गतिविधि हो रही है, जितने प्रकार की भी, वो सब खेल है। हम सब ये खेलने तो आए हैं, हम सब ये खिलाने तो आए हैं। खेलना और हंसना, ये दो काम जो करेगा उसे दुनिया में कोई परास्त नहीं कर सकता। तो लेना छोड़ना हर श्वास खेल है, जीवन का हर कदम खेल है, जीवन मृत्यु दोनों खेल हैं, मोह माया का जाल खेल है। अगर भक्ति शक्ति हस्ती चाहिए तो जागना होगा तुझे, खेलना होगा तुझे। तो आज के इस ऊर्जावान दिवस पर मेरा सिर्फ आपसे ये निवेदन है, मैं इतनी प्रार्थना करके कहूँगा, क्योंकि अभी हमारे बीच में मुख्य वक्ता जी बैठे हैं जिनका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है, कि अपने आप को आप एक पल के लिए भी विकलांग या दिव्यांग, जो भी शब्द आप समूह अपने आप को मानते हों, उससे अपने आप को नामन में कल्पना लाएं। आप लोग बहादुर हैं, आप लोग साहसी हैं, आप लोग ऊर्जावान हैं, आप लोग प्रेरणादायक हैं, समाज में चेतना पैदा कर रहे हैं। आज ये हॉल अगर दर्शकों से भरा हुआ होता तो कितने लोग आपसे प्रेरणा लेकर जाते, यह आप एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए। इसलिए मैं अंत में आपको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। मैं अब आमंत्रित करता हूँ आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर ब्रजेश कुमार पांडे जी, माननीय विभाग संचालक आर्थिकपुरम विभाग, अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। जी सर। आज के इस कार्यक्रम के सभा अध्यक्ष और हमारे